रहीम यार खान और सोलह पट में पाक फौज की तरबियती मशकें की गई। कराची और पनुआ किल गैरोजन के फौजी दस्तों ने मशकों में हिस्सा लिया। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल हुमायूं अजीज ने मशकों का मुआयना किया, फौजी जवानों की ऑपरेशनल तैयारियों और तरबियत के मयार को सराहा। वफाकी हुकूमत ने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस 2019 को कानून का हिस्सा बनाने का फैसला कर लिया। अप्रैल में गैर मौसर होने वाले ऑर्डिनेंस को बिल की सूरत में लाया जाएगा। मुजवजा बिल के तहत नैब कारोबारी अफराद और टैक्स मामलात में कार्रवाई नहीं कर सकेगा। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान नैब कानून के किसी मुसवदे पर इत्तेफाक नहीं हो सका। कराची में दरिंदगी का एक और वाकया। फेडरल बी इंडस्ट्रियल एरिया में 8 साल के बच्चे को अगवा के बाद कत्ल कर दिया गया। लाश फेंकने जाते हुए मुबीना मुलजिम को शहरियों ने पकड़ लिया पुलिस के हवाले। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ज्यादती का शुबा, बच्चे की गर्दन पर तशद्दुद के निशानात हैं। मगरिब के वक्त से लापता था ज़ेरे हिरासत मुलजिम समीउल्लाह साबिक पड़ोसी निकला। मोटरवे पुलिस ने कार चोरी में मुलव्वस 2 खवातीन समेत 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। गाड़ी केनाल व्यू लाहौर से चोरी की गई थी। मुलजमान गाड़ी का नंबर प्लेट तब्दील करके मियां चुन्नू जा रहे थे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज अक़वाम-ए-मुत्तहिदा की जनरल असेंबली से खिताब करेंगे। मसला कश्मीर समेत अहम उमूर पर बात करेंगे। कहते हैं उन्हें करप्शन के खात्मे का मैंडेट मिला है। आलमी बरादरी रुकूम की गैर कानूनी मुंतकली के खिलाफ इकदाम उठाए। तरक्की पज़ीर ममालिक से लूटा गया पैसा वापस किया जाए, कहा दुनिया को गरीब ममालिक से नाइंसाफियाँ बंद करना होंगी। भारत में पाकिस्तानी हिंदुओं के कत्ल के खिलाफ हिंदू कम्युनिटी का इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन के सामने धरना। मुल्क भर से हजारों अफराद शरीक।